नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी में के बारे में। और ये दोस्तों हर साल बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न भी बना हुआ है। कभी कभी लैंथेनाइड श्रेणी के बारे में पूछ लेता है, कभी कभी एक्टिनाइड श्रेणी के बारे में पूछ लेता है। दो तीन नंबर के आते हैं दोस्तों, बड़ा सिंपल है। अभी आपको हम कुछ चुटकियों में आपको समझा दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा है यह ब्लॉक के तत्व, मतलब क्या है? मतलब दोस्तों यह ब्लॉक के तत्व और यह ब्लॉक के तत्व को दो श्रेणियों में विभाजित किया है। किस श्रेणी में? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो इसी लैंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी के बारे में हम लोग जानना है, लेकिन पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं दोस्तों यह ब्लॉक के तत्व के बारे में। यह ब्लॉक का तत्व है क्या? फिर दोस्तों हम आपको बताएंगे यह ब्लॉक के तत्वों को दो श्रेणियों में कैसे विभाजित कर दिया गया है। ठीक, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए। जब तत्व या परमाणु के सबसे बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन यफ उपकोष की यफ ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं तो उसे यफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जब तत्व या परमाणु के सबसे बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन यफ उपकोष की यफ ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। राइट, ये आपको समझ में आ गया होगा। जब तत्व या परमाणु, कोई भी तत्व लीजिए, कोई भी परमाणु लीजिए, उनके दोस्तों जो सबसे आउटर मोस्ट सेल, जो सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, अगर वो यफ उपकोष की यफ ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा हो, यफ उपकोष के यफ ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा हो, तो उसे आप क्या कहेंगे? यफ ब्लॉक के तत्व कहेंगे। बात समझ में आई? चलिए, इसमें निम्नलिखित दो श्रेणियां उपस्थित हैं। कौन कौन से? लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। ठीक, और अब दोस्तों हम आपको बताएंगे इसी बारे में। हम आपको बताने जा रहे हैं लैंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी है क्या और कैसे इन्हें रखा गया, इसका मतलब क्या है। बड़ा सिंपल है दोस्तों, आप आसानी सीख जाएंगे। सबसे पहले आपको हम लैंथेनाइड बताएंगे, फिर एक्टिनाइड श्रेणी के बारे में बताएंगे। पहला लैंथे, उसके बाद दूसरा एक्टिनाइड श्रेणी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, छठवें आवर्त में लैंथेनम के पास कुल 14 तत्व, परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक। बात समझ में आ रही है? छठवें आवर्त में लैंथेनम के पास कुल 14 तत्व, परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक, सीरियम से ल्यूटीशियम तक आवर्त सारणी में लैंथेनम के पास रखे जाने के कारण इन्हें लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। चलिए आपको हम आसानी समझाते हैं दोस्तों। आप आवर्त में देखिए, छठवें आवर्त में आपको एक तत्व मिलेगा, उसका नाम है लैंथेनम। इसी दोस्तों लैंथेनम के पास आप देखिए आवर्त सारणी में सबसे नीचे को, डी ब्लॉक के नीचे की ओर, लैंथेनम के पास कुल 14 तत्व रखे गए हैं। और वो 14 तत्वों का दोस्तों परमाणु क्रमांक भी आप देख लीजिए, वहां पर लिखा गया है 58 से 71 तक। ठीक, सीरियम से ल्यूटीशियम तक, यानी 58 से 71 तक। सीरियम का दोस्तों परमाणु क्रमांक 58 मिलेगा, ल्यूटीशियम का 71 मिलेगा, ये भी आप देख लीजिए वहां पर आपको मिलेगा 58 से 71 तक, सीरियम से ल्यूटीशियम तक। ये आवर्त सारणी में लैंथेनम के पास रखे गए हैं और लैंथेनम के पास रखे जाने के कारण लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ पाए लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व क्या है। एक बार और आपको हम थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। छठवें आवर्त में लैंथेनम के पास कुल 14 तत्व रखे गए हैं। ठीक, परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक, सीरियम से ल्यूटीशियम तक। ये आवर्त सारणी में लैंथेनम के पास रखे गए हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। ठीक, अब दोस्तों हम लोग जानेंगे एक्टिनाइड श्रेणी के बारे में, यानी ये सेकंड इसका पोर्शन है दोस्तों, एक्टिनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड श्रेणी दोस्तों है क्या? दरअसल जो लैंथेनाइड श्रेणी था वो छठवें आवर्त में लैंथेनम के पास रखे गए हैं, लेकिन दोस्तों जो एक्टिनाइड श्रेणी है वो सातवें आवर्त से संबंधित है। अब आप देखिए पीरियाडिक टेबल में, सातवें आवर्त में एक्टिनियम के पास कुल 14 तत्व, कितने? 14 तत्व, परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक। ठीक, परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक, थोरियम से लारेंसियम तक रखे गए हैं। ये एक्टिनियम के पास रखे जाने के कारण एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं।
दोस्तों आप देखिए जरा पीरियाडिक टेबल में, जरा सातवां आवर्त देखिए, सातवें आवर्त में और एक आपको तत्व मिलेगा एक्टिनियम, उसी एक्टिनियम के पास आप नंबरिंग कीजिए, कुल 14 तत्व मिलेंगे, 14 एलिमेंट्स मिलेंगे, और क्या इनका एटॉमिक नंबर भी हम आपको बताते चलते हैं, 90 से 103 है, 90 दोस्तों थोरियम का है, 103 आपको लारेंसियम का मिलेगा, ठीक, 90 से 103 तक, थोरियम से लारेंसियम तक, क्योंकि दोस्तों एक्टिनियम के पास रखे गए हैं इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एक्टिनार्ड श्रेणी के तत्व। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग सीख पाए लैंथेनार्ड श्रेणी, एक्टिनार्ड श्रेणी, जरा इनके गुणों के बारे में देख पाते हैं। यहां पर देखिए इनकी आक्सीकरण संख्या +3 में संक्रमण होता है, अर्थात ये परिवर्तित संख्या दर्शाते हैं। दरअसल दोस्तों इनकी जो आक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है, वो परिवर्तित होती रहती, चेंज होती रहती है, तो +3 ज्यादा इनका संक्रमण होता है, चेंजिंग होता है, इसलिए इनकी आक्सीकरण संख्या लगभग +3 के ऊपर नीचे +2 +4 ऐसे बदलती रहती है। अच्छा, ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रांस यूरेनियम, पैरा यूरेनियम, पास्ट यूरेनियम क्या है, इसके बारे में पूछा भी जाता है। दरअसल दोस्तों परमाणु क्रमांक 92 के बाद तत्वों को ट्रांस यूरेनियम या पैरा यूरेनियम तत्व कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं। दरअसल दोस्तों आप देखिए एक्टिनियम श्रेणी में एक दोस्तों परमाणु क्रमांक 92 का तत्व मिलेगा जिसका नाम है यूरेनियम, उसके बाद जो दोस्तों तत्व होते हैं ना, पूरे तत्वों को ट्रांस यूरेनियम या पैरा यूरेनियम तत्व कहते हैं, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं, और जिसमें आप जानते हैं नेपच्यूनियम यानी NP प्रथम ट्रांस यूरेनियम तत्व होता है, क्योंकि दोस्तों ये सबसे पहला मानव द्वारा निर्मित तत्व होता है, ठीक। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीख पाए लैंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी के बारे में, और दोस्तों आप प्लेलिस्ट्स में जाकर आप सभी लगभग वीडियो लेक्चर आप देखकर नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।